मिली है नास डेली से। कभी कभी हमें लगता है कि यार लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, रोज सिर्फ काम करना, बिल्स भरना और वीकेंड्स का इंतजार करते रहना, ऑल टुगेदर माई लाइफ सक्स। इससे कभी कभी ये सोच आता है कि सब छोड़ के ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, पर मोर ऑफन देन नॉट ये नहीं हो पाता। अगर ये आपका केस है तो नास की स्टोरी से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है। नुसायर यासीन, AKA नास। Hi, my name is Nusayr Yasin, also known as Nas. जो आपके और मेरे तरह एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर अब वो डिफरेंट कंट्रीज पे ट्रैवल करते रहते हैं, एक ही टी शर्ट पहनते हैं और हर रोज एक वीडियो बना के फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। And he has been doing that for more than 950 days straight. I never take a day off. उनके वीडियो सिर्फ एक मिनट का ही होता है। That's one minute. That's one minute. That's one minute. पर इस एक मिनट पे वो इतना कुछ कर जाते हैं जो अक्सर लोग एक घंटे पे भी नहीं कर पाते। That's it. और ऐसे आज उनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और मेरे तरह लाखों लोग उस वीडियो के लिए पूरे दिन वेट करते हैं। शायद उनमें से आप भी एक है। Yes, I'm talking about the one minute blogger, Nas Daily. Here's the idea. Once a day, I'm gonna make one video that's one minute long. That's it. Nas childhood पे एक बहुत ही shy और introvert kid हुआ करते थे, जिसका maximum समय computer के सामने ही बीतता था, पर video games पे नहीं, Google पे। It's amazing how much you can learn from Google. हर रोज वो कुछ नया सीखने पे लग जाते थे। म्यूजिक शीट बिना समझ के पियानो बजाना सीख लेने से लेके रूबिक्स क्यूब को 16 सेकंड का रिकॉर्ड टाइम पे सॉल्व करना, पेंसिल के साथ कूल ट्रिक्स करने से लेके स्पोकन इंग्लिश सीखना, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लर्न इंग्लिश। ऐसे ही घर बैठे वो अपने आप को एवरीडे बेटर बनाते रहता था। मिडिल स्कूल के बाद वो SAT एग्जाम में अपियर हुए और इसराइल के एक विलेज से सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US का सफर तय कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैसे अफोर्ड किया। हार्वर्ड इज एक्सपेंसिव। तो आपको बता देते हैं कि उन्होंने खुद घर बैठ के गूगल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। सो ट्रस्ट मी व्हेन नास एंड आई से गूगल कैन चेंज लाइव्स। समटाइम्स ऑल इट टेक्स टू चेंज योर लाइफ इज अ सिंपल गूगल सर्च। हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने के बाद उनको वेनमो नाम की एक कंपनी पे रिक्रूट किया गया, $120,000 पर एनम सैलरी पे, जो इंडियन करेंसी पे लगभग 85 लाख होते हैं। सिर्फ 24 साल की उम्र पे उनका लाइफ आसमान छू रहा था। आई मीन ही वॉज मेकिंग मोर मनी देन हिज मदर, फादर, ब्रदर एंड होल फैमिली कम्बाइंड। आई वॉज मेकिंग मोर मनी देन माई डैड, माई मॉम एंड माई ब्रदर कम्बाइंड। और ऐसे कुछ 8-9 सालों पे वो मिलियनेयर भी होने वाले थे, पर 1.5 साल के अंदर वो जॉब छोड़ दिए और वीडियो बना के पोस्ट करना स्टार्ट किए फेसबुक पर, जहाँ पे एड से उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। In the past year, I made $0 on Facebook. अचानक एक स्टेबल लाइफ छोड़ के ऐसा स्टेप क्यों? Wait, Nas, why'd you quit? Well, I quit because... वो सिर्फ 24 साल के थे, that's young, right? But no, उनके कैलकुलेशन से वो यंग नहीं थे। उनका एज 24 डिवाइडेड बाय US का एवरेज मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76/100 इक्वल्स 32%। I am one third dead with my life. I am one third done. I'm not young, I'm old. When I realized that, ये उनको डरा दिया और वो रियलाइज किए कि he needs to change his life. I got scared. I said I need an intervention. न्यूयॉर्क पे रहना, वीकेंड पे ड्रिंक करना, दिन पे 8 घंटा काम करना जिसपे खुद का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। He believed life has to be better than this. When I realized that myself, I quit my job. उस समय मनी मैटर नहीं किया। उन्होंने बैकपैक किए और ट्रैवलिंग पे निकल पड़े, अपने लाइफ का परसेंटेज वाला टी शर्ट पहन के, ताकि वो लाइफ के एवरी सेकंड को वैल्यू दे सके। When you think of life in terms of percentages, every minute of it will start to matter. वो सिर्फ मजे के लिए ट्रैवलिंग से ज्यादा कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो अपना हर दिन एक वीडियो पे समराइज करके उसको पोस्ट करना चालू किया, और ऐसे ही स्टार्ट हुआ नास डेली। That's when I started Nas Daily. My name is Nas Daily. नहीं, वो शुरुआत पे ही ग्रैंड सक्सेस नहीं हुए। उनका वीडियो भी स्ट्रगल किया। वो 5-स्टार होटल्स पे नहीं, हॉस्टल्स पे 3-4 लोगों के साथ अपना रूम शेयर किए। उनके पास शुरू से ही बेस्ट कैमरा, माइक, ड्रोन
और लैपटॉप जैसे इक्विपमेंट नहीं था, पर वो अपने आप को और वीडियोस को रोज बेहतर बनाते गए, मेहनत करते गए और इवेंचुअली उनके वीडियोस लोगों को पसंद आने लगा। उनकी कम्युनिटी बड़ा होता गया, दुनिया के हर देश पे उनका फैंस होते गए, उनमें से एक उनके गर्लफ्रेंड भी बन गए और आज उनके वीडियोस को एक दिन पे ही मिलियन लोग देख लेते हैं। वो लगभग इस 3 साल पे कंट्रीज के बारे में वीडियो बनाए। I have just arrived to India. वहाँ के लोग और उनके स्टोरी के बारे में वीडियोस बनाए, वर्ल्ड पीस के लिए बनाए, सेक्सिज्म के अगेंस्ट, वुमेन को मटेरियलाइज करने के अगेंस्ट, पैलेस्टाइन इजराइल पे शांति के लिए, उनके गर्लफ्रेंड आलिन के साथ रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस बनाए और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे वो वीडियो बनाते रहे। बट वन थिंग ही मेड श्योर कि उनका वीडियोस इंस्पिरेशनल हो, पॉजिटिव हो और उनसे किसी का लाइफ पर्सपेक्टिव और व्यूज बेटर हो। ये चीज उनको सबसे अलग बनाता है। वो नंबर ऑफ व्यूज के लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं। उनका मानना है कि अगर एक भी लोग उनके वीडियो देखे और उससे उनका लाइफ का बेटरमेंट हो, वो इंस्पायर्ड हो या वर्ल्ड को इसका कोई अच्छा इफेक्ट हो, तो ही उनका संतुष्टि है। If watching me live my best possible life on Facebook inspires you to live your own best possible life in your own way, then that's good. Because ये वीडियो नाश को डेडिकेटेड है, तो मैं इस वीडियो पे जितना हो सके एनर्जेटिक होने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वो खुद एनर्जी का एक ट्रेडमार्क है। ये 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए उनको रोज 10 घंटे से ज्यादा समय लगता है और ये लगभग 3 साल से वो करते हुए आ रहे हैं विदाउट टेकिंग अ डे ऑफ। आई नेवर टेक अ डे ऑफ। इफ दिस इजंट मोटिवेटिंग, आई डोंट नो व्हाट इज। पर नास डेली का ये सफर 1000 दिनों पे ही खत्म होने वाला है। सारा इंतजार, सारा एक्साइटमेंट खत्म होने वाला है। आई नो दिस इज डिप्रेसिंग, बट आई गेस एवरी गुड थिंग हैज एन एंड। बट आई एम श्योर उनके वीडियो सिर्फ 1001 मिनट का ब्लॉग्स नहीं, 1000 इंस्पिरेशन, 1000 आइडिया और 1000 लाइफ लेसन होके इंटरनेट पे 1000 सालों से भी ज्यादा रह जाएगा। इस वीडियो का फॉलो अप 2 वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। एक पे नास के लाइफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर रहेगा, जैसे कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं डालते हैं, सिर्फ 1 मिनट ही क्यों, 1000 दिन पे खत्म क्यों होने वाला है। और दूसरा वीडियो पे रहेगा 10 चीजें जो हम नास से सीख सकते हैं और अपना लाइफ बदल सकते हैं। तो इसके लिए आप ग्रोन अप टेल्स को फेसबुक और यूट्यूब पे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नास को फॉलो करना मस्ट है सबके लिए। ये मेरे लिए या नास के लिए नहीं, ये आपके लिए है, आपके लाइफ का बेटरमेंट के लिए। सो दैट वॉज वन स्टोरी। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइज। चीयर्स।